प्रेशर तो हमेशा रहता ही है, आप इंडिया के लिए खेलो तो प्रेशर तो रहना ही है जब तक आप खेलोगे तब तक। बट हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलना होता है बैटिंग बॉलिंग, क्योंकि कभी कभी बैटिंग ऐसी सिचुएशन में आती है जहाँ टीम फंसी होती है, वहाँ से आपको मैच जिताना होता है। कभी बॉलिंग भी वैसी सिचुएशन में आती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा लगता है कि अंडर प्रेशर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एज ए प्लेयर आप कॉन्फिडेंट मिलता है कि आपने अंडर प्रेशर में परफॉर्म किया है, तो आगे आने वाले मैचों में आप और ज़्यादा अच्छा करते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेग स्पिनर बॉलिंग डालते हैं तो लेफ्टी को भेजना ज़्यादा इजी हो जाता है और वो चांस ले सकता है। तो टॉप 7 में मैं ही था लास्ट गेम में, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि उनकी प्लेइंग 11 देख के पता चला कि उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर है, तो मुझे कभी ना कभी जाना होगा। तो मैं उस हिसाब से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, और लकीली वही टाइम पे मैं गया और टीम के लिए मैंने जो भी रन्स किए वो बहुत ही क्रुशियल थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैम्प्स नहीं आते तो हम हार जाते, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि T20 में लास्ट में तो कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है, तो चाहे कितना भी बड़ा बॉलर हो या कोई भी एक्सपीरियंस बॉलर हो, तो लास्ट के 2-3 ओवर में कोई भी बॉलर प्रेशर में रहता ही है। तो मेरे ख्याल से बस वही इंटेंट था कि जितने भी रन आए वो 18-19 तक ज़्यादा रन कोशिश करेंगे, ताकि अगर लास्ट ओवर में जितने कम रन बच जाए उतना अच्छा है। और लकीली हमने जो ट्राई किया वही डिलीवर हुआ। और नसीम साहब मतलब अच्छे यंग तेज़ बॉलर है अच्छे, उनको पता है कि उनको कौन से एरियाज़ में बॉल डालनी है और कौन से बैट्समैन के अगेंस्ट क्या लाइन लेन डालनी है। तो मेरे ख्याल से उनके तीनों फास्ट बॉलर अच्छे थे, जो तीनों अच्छे एरियाज़ में बॉल डाल रहे हैं, तो इतना इजी नहीं था।